वेलकम टू ज्ञान चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम पार्ट 13 टू पार्ट 15 क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट से लेके 15 पार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीस इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन कौन से एपी हैं और अगर एपी हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और थ्री मोर टर्म्स ऑफ। तो उससे पहले हम एपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज इसे नाम बताता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एक पैटर्न या सीक्वेंस या एक प्रोग्रेस, नंबर्स का प्रोग्रेस होगा जिसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एड होगा बाय सेम यूनिट और सबट्रैक्ट होगा बाय सेम। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल क्या आएगा, 4, 8, 12, 16 एंड 20। अब इसमें हम क्या नोट कर रहे हैं, हर अगले टर्म में क्या है, डिफरेंस 4 है। 4 के बाद 4 ऐड हुआ तो आया 8, 8 के बाद 4 ऐड हुआ तो आया 12, 12 के बाद 4 ऐड हुआ तो आया 16, 16 के बाद 4 ऐड हुआ तो आया 20। तो मींस थ्रू आउट क्या रहा, डिफरेंस 4 का ही रहा। तो एक पैटर्न फॉलो, तो याद रखना ये क्या है, एपी में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर। तो अब इसके टर्मिनोलॉजी के मतलब समझते हैं। पहली चीज आती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं हम ए से। पहला टर्म अगर मैं देखूं इसमें पहला टर्म क्या है, 4, तो ए याद रखना फर्स्ट टर्म इज, सीधा सीक्वेंस का पहला टर्म उठाओ लिख दो, दैट इज अवर फर्स्ट। अगली चीज आती है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अब दो टर्म के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, याद रखना कॉन्सिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस, ठीक है। अब फॉर्मूला तो इसका होता है a2 - a1 या a3 - a2 या a4 - a3, याद रखना कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, ग्रेटर टर्म माइनस। और इन जनरल फॉर्मूला होता है an - an - 1। इस केस में हम लेते हैं 8 - 4, आंसर तो आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस का भी, ए आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट थिंग इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इस एपी में पूछू कितने टर्म्स है तो आप काउंट करके बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म, तो इसकी एंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। द लास्ट क्या है, एनथ टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं एन से या टी एन से। अगर मैं पूछूं एनथ टर्म मींस, अगर मैंने पूछा फोर्थ टर्म क्या है तो आप क्या लिखोगे, a4 = 16, यही है। फोर्थ नंबर वाले टर्म की वैल्यू क्या है, वही होता है एनथ टर्म, ठीक है, a4 = 16। अगर पूछता a5 क्या है, मींस फिफ्थ टर्म क्या है, तो आप बोलते 20। पूछता थर्ड टर्म क्या है तो आप बोलते 12। ये तो हो गया हमारा एपी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, कौन सा एपी है, पहली तो ये चीज पता करनी है हमें, पहले वो पता करते हैं। पहले हम चलते हैं अपने 13 पार्ट। 13 पार्ट क्या है हमारा, √3, √6, √9, √12। पहले हम डी निकालने की कोशिश, ठीक है। तो अगर हम सिंपल डी निकाले पहले तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, √6 - √, अब सॉल्व नहीं हो रहा, बट आपको ये चीज पता होगी, √6 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर ही 3 × 2। अगर मैं इसको एलिब्रेट करके लिखूं तो क्या आएगा, रूट के अंदर ही 3 × 2। तो अगर √6 में, उसमें से अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √2, क्योंकि √6 क्या होता है असली, अल्टीमेटली √6 को हम लिख सकते हैं ना, √6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2। तो एक रूट हमने बाहर निकाल दिया √3 वाला, अंदर क्या बचा √2, और यहां से भी √3 कॉमन गया तो क्या बचेगा, √-। क्लियर है, ये तो हमारा आ गया पहले के हिसाब से कॉमन डिफरेंस। अब निकालते हैं a3 - a2 के हिसाब से करते हैं। a3 क्या है हमारा, √9 - √6। अगेन 9 को भी सिमिलर वे में लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम सिमिलर वे में, अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ ना 3 × 3, इसको लिख सकता हूँ 3 × 2। अंदर कॉमन क्या आ रहा है, अगेन √3, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 √3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 6 वाले में √2। तो मैंने एक चीज नोटिस की, सेम तो नहीं आ रही, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस में ब्रैकेट के अंदर क्या √2 - 1 है, यहाँ पे क्या है √3 - √2, तो ये सेम तो वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, मीन्स जो ये 13th पार्ट है ये इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अगर एपी ही नहीं है तो सीधी सी बात है कॉमन डिफरेंस हम निकाल नहीं सकते और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं निकालेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, 13 क्वेश्चन यहीं पे, बस आपको यही लिख देना इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 1² 3² 5² 7² ... बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर है इनकी वैल्यूज बोल देनी है, ठीक है, 14 पार्ट में, और आपको कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखना है सेम है, ठीक है, 1² 3² 5² 7²
अगर वन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, थ्री स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, नाइन होती है, फाइव स्क्वायर की वैल्यू 25 होती है, सेवन स्क्वायर की वैल्यू 49। अगेन डी निकाल के देखते हैं हम यहाँ से, डी की वैल्यू क्या आएगी, ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है, नाइन, नाइन माइनस वन क्या आ गए, आंसर एट आया। नेक्स्ट ए थ्री माइनस ए टू करते हैं, ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री है 25 माइनस 9, और 25 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16। देखो इस वाले में कॉमन डिफरेंस आया 8, इस वाले में कॉमन डिफरेंस आया 16। सीधी बात है, कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं है तो इट इज ऑल्सो नॉट एन एपी। अगर एपी नहीं है तो हमें आगे आगे कॉमन डिफरेंस भी नहीं फाइंड करना है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी नहीं फाइंड करना है, सिंपली लिखना है इट इज नॉट एन पी। क्लियर। लास्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 15। 15 पार्ट क्या बोलता है, 15 पार्ट बोलता है अगेन वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, 70। वन स्क्वायर क्या होता है, वन, फाइव स्क्वायर इज 25, सेवन स्क्वायर इज 49 एंड 70 चेक करना होता है हमें करके डी निकाल के, हम डी निकाल के हम चेक करेंगे। पहले में हमने डी निकाला, डी पहले का होगा ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू है 25 माइनस वन, 25 माइनस वन इज 20। सिमिलर वे अगर दूसरे में से निकालू क्या होगा, ए थ्री माइनस ए टू तो क्या आएगा, 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 भी कितना होता है 20। यहाँ पे डी सेम आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट में भी निकाल के देखते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री क्या आएगा, 73 माइनस 49। अगेन 73 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो डी तो थ्रू आउट हमारा सेम, हमने ये चीज नोटिस कर ली, डी थ्रू आउट सेम, दैट मीन्स एपी तो है और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है, डी की वैल्यू आई है 20, हमने निकाल के देख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स पे आते हैं, नेक्स्ट थ्री टर्म्स मीन्स ये हो गया ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, ए फाइव। ए फाइव क्या होगा, ए प्लस फोर डी, ए की वैल्यू है वन प्लस फोर डी इज 20, डी की वैल्यू 20, वन प्लस 24 फोर जा 96, मीन्स क्या हो गया 96 प्लस वन 97, ए फाइव आ गया 97, ए सिक्स अगेन ए प्लस 5D, क्या आएगा, ए तो 1 है प्लस 5 इंटू 24, 24 इंटू 5 और 5 120, 1 प्लस 120 इक्वल्स टू 120। अब ए सेवन भी फाइंड करना है, ए सेवन क्या होगा, ए प्लस 60, ए तो 1 प्लस 6 इंटू 24, 24 इंटू 6 क्या होगा, प्लस 6 हो गया 24 का 4 टू 144, तो आ गया 145। जो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी थी वो क्या होंगी, फिफ्थ टर्म 97, सिक्स्थ टर्म 121 एंड सेवन्थ टर्म 1। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है फोर्थ के सारे पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द